20 अक्टूबर साल 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपने 41वें सत्र में यह घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस को हर 5 साल बाद मनाने की घोषणा हुई, जिसके बाद इसे 2015 में दूसरी बार मनाया गया। आज ही के दिन 2020 में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। 20 अक्टूबर साल 1930 को भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ का जन्म हुआ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वे भारत की पहली महिला थीं। मदर इन लॉ के नाम से मशहूर लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी बनी। साल 1998 से 2000 तक वे भारतीय विधि आयोग की सदस्य रहीं। लीला सेठ निर्भया गैंगरेप के लिए बनी जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली जस्टिस वर्मा कमेटी की सदस्य भी रहीं। 20 अक्टूबर साल 1996 से विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषिरता एक ऐसा रोग है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी ने इस दिन को मनाने की घोषणा की। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कैल्शियम और विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार का सेवन किया जाता है। 20 अक्टूबर साल 1962 को भारत चीन युद्ध शुरू हुआ, जिसे भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। चीन में साल 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। चीनी सेना ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4,250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की और चीन की सेना अपने पहले वाली जगह पर वापस लौट आई। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।